शुरुआत एक बार फिर से रांची से एक बड़ी खबर, एचईसी को लेकर हुई त्रिपक्षीय वार्ता विफल हो गई है। श्रमायुक्त एचईसी के तीनों निदेशक और 8 श्रमिक संगठनों की ये बैठक थी। श्रमिक संगठनों ने कहा हर महीना देना होगा 2 महीने का वेतन। अफसरों ने कहा कंपनी की स्थिति बेहतर अभी नहीं है, 1 साथ 2 महीने का वेतन फिलहाल नहीं दिया जा सकता। कर्मचारियों ने कहा अगर नहीं तो फिर जारी रहेगी हड़ताल। कंपनी में 26 दिनों से हड़ताल लगातार जारी है, 2 डाउन स्ट्राइक है और कर्मियों का यह कहना है कि 2 डाउन स्ट्राइक जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसी बात को लेकर तो हमने आंदोलन किया था। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी और लगा था उम्मीद थी कि शायद इस समस्या का पटाक्षेप होगा, इस समस्या का समाधान होगा, लेकिन यह वार्ता विफल रही है क्योंकि जो मांग कर्मचारियों की है अपने वेतन को लेकर, जो बकाया वेतन उसको लेकर, उस पर कोई खास बातचीत बनी नहीं पाई है। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अमित, निश्चित तौर पर क्योंकि कर्मचारी हड़ताल पर है और उन्होंने अपनी मांगे मानी और उसी पर बातचीत हुई तो वार्ता तो विफल होनी ही थी। हेलो जी पंकज, अमित एक बात जानना चाहेंगे, त्रिपक्षीय वार्ता हुई, चलिए उम्मीदें थी कि शायद समस्या खत्म हो, लेकिन जो मुख्य मुद्दा था कि वेतन नहीं मिल पा रहा है और उसी को लेकर प्रबंधन की ओर से कुछ नहीं कहा गया तो विफल तो होनी थी वार्ता। और क्या क्या किस किस बात पर मुद्दा नहीं बना? ये आज 26 दिनों स्थिति में स्ट्राइक जारी है पंकज, इसे समाप्त करवाने के लिए आज श्रम आयुक्त ने त्रिपक्षीय वार्ता बुलाई थी। इसमें एचईसी के तीनों डायरेक्टर, डायरेक्टर कार्मिक थे, निदेशक वित्त थे और निदेशक मार्केटिंग थे, 8 श्रमिक संगठन थे, ये सभी त्रिपक्षीय वार्ता हुई। श्रमिक संगठनों का कहना था कि श्रमिक का जो 6 माह का वेतन है वो आने वाले जनवरी फरवरी मार्च में 2-2 महीना का वेतन एक साथ दे करके प्रबंधन बैकलॉग को क्लियर करे, लेकिन प्रबंधन ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है, कंपनी की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, ऐसे में हम मतलब एक साथ 2 महीने का वेतन भुगतान नहीं कर पाएंगे। तो इस स्ट्राइक का असर एचईसी के मार्केटिंग और रेवेन्यू पर भी पड़ा है। प्रबंधन ने ऐसा पक्ष रखा और कहा कि स्ट्राइक अगर लंबे दिनों तक चली तो कंपनी खुद ब खुद स्वतः बंदी की ओर चली जाएगी। ऐसे में टूल डाउन स्ट्राइक का समाप्त होना मतलब निहायत ही जरूरी है, जिसे श्रमिक संगठनों ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। हाँ। और कहा कि कम से कम एचईसी को बिल्कुल वेतन भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और जो 6 माह का बकाया वेतन है इसको कब तक एचईसी देगा यह स्पष्ट रूप से बताए, तब टूल डाउन स्ट्राइक समाप्त होगा। पंकज चले बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित तौर पर जब हड़ताल ही वेतन के मुद्दे पर और इसी पर प्रबंधन तैयार नहीं है तो फिर तो वार्ता विफल होनी ही थी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़े। आप देखते हैं कि अब इस मामले में ये मामला पहुंचता कहां तक है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।